करवा के ला लेना। जी मैम, मैनू इतने लिखना अर्न सैलरी है ना, तो मैं इतने लिख दी हाँ ई ए। हूँ इतने देखो गुरप्रीत, इतने देखो ना मैं लिखने की कुछ भी कोशिश कर रही हूँ, जिम्मे मैं के लिखा या कुछ भी लिखने की कोशिश कर रही हूँ, देखो सिंबल आ रहा है, इन्हें कितना सही करिए। एडिशनल सेटिंग कितने, एडिशनल सेटिंग हर्षदीप ये तो शुरू पहला नहीं है, ये तो स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੀ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਬਲ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਓਗੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। मैं इतने लिख दी अर्न सैलरी, इतने लिखा हुआ सी टू ओवर टाइम, ठीक है, उस बाद इतने लिखा सी टोटल सैलरी, उस तो बाद इधर आ गया सीगा अपना की ई एस आई, ठीक है। हम आप इतने कटते हैं सैलरी कटने का तो फॉर्मूला सारे पता होगा, आप कि कटते हैं गुरप्रीत सैलरी कटने का फॉर्मूला की होगा, हाँ इक्वल टू की केड़ा सेल सेल का कुछ नेम होगा ना, मैं तो आड़े तो सेल दी कटन दा फॉर्मूला पूछ रही हूँ। याद कर लो ये सारी चीजा ना बेसिक चीजा ने, छोटी छोटी चीजा ने, ये चीजा याद रखो। हूँ एक्सल अपना बुक करने हो आया तुसी, हले भी तुम्हें ये नहीं पता सैलरी कटन का फॉर्मूला की होंगे, ये चीजा याद रखो, ठीक है। हूँ इतने सैलरी कटन का फॉर्मूला होंगे भी अपनी जी बेसिक पे होंगी डिवाइड बाई कर दें डेज ऑफ मंथ ना, हूँ डेज ऑफ मंथ ना इसलिए कर दें क्योंकि पहले अपने एक दिन की सैलरी कटनी, पहले दिन की अपन सैलरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डाटा भी देखोगे उदा ही ऑर्गनाइज किया हुआ, पहला इंपलॉई आई डी नेम बेसिक पे डेज ऑफ वर्क ओवर टाइम इतने एवरेज करके कटी हुई है, ये वाली हले कॉलम आप स्किप कर दें बाद ये बारे पढ़ देना की चीज, ठीक है। अगे ये मल्टीप्लाई करवा दो अटेंडेंस के नाल, हूँ इतने दसो की चीज़ फिक्स करना वा, कोई चीज़ फिक्स करवाने वाली है कोई चीज़ कॉन्सटेंट है सी वन, तो आप की करेंगे सी वन के कोल कर्सर रख के एफ फोर बटन क्लिक करवा के फिक्स करके एंटर बटन क्लिक करवा के ड्रैग करवा देंगे, ये अपनी निकल गई अर्न सैलरी, ठीक है। हूँ उस तो बाद इतने आपने कढ़ना ओवर टाइम, ठीक है। हूँ तुम इधर देखोगे तो ओवर टाइम का दिता हुआ घंटा उन्हें किन्ने घंटे ओवर टाइम लगाए हुए, जिम्मे सपोज कोई इंपलॉई है उन्हें दस दिन के 15 घंटे ओवर टाइम लगा लो, जिम्मे वे अठ घंटे का तो उन्होंने पता भी 8 घंटे मैंने लगाने ही लगाने कंपनी च, बट वो रोज़ा रोज़ 2 घंटे या 1 घंटे एक्सट्रा लगा रहा है तो वो अपना आ गया ओवर टाइम के, इदा ही करके आ इंपलॉई ने 15 घंटे लगाए हुए, 15 घंटे या कह लो हाफ घंटे और साढ़े 15 घंटे उन्हें लगाए हुए, ठीक है। तो हूँ इतने आपने कढ़ना वा ओवर टाइम, ठीक है। तो ओवर टाइम कढ़ने लिए तो सब तो पहला अपन 1 घंटे की सैलरी पता होनी चाहिए, तो ही आप 15 घंटे सैल 15 घंटे की सैलरी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हूँ 1 घंटे की सैलरी पता करने लिए आप करते हैं नोट्स के चलते हैं, देखो इतने नोट्स के किया हुआ वा बेसिक पे डिवाइड बाई कर दो टोटल डेज ऑफ मंथ ना, फिर डिवाइड बाई कर दो 8 दिन। अच्छा हूँ इतने कन्फ्यूजन तो नहीं है कि 8 दिन क्यों डिवाइड बाई किया, हाँ वो 8 घंटे ड्यूटी, अगर वो 12 घंटे होंगी तो फिर 12 घंटे डिवाइड बाई होंगे, अगर 10 घंटे होंगे तो फिर 10 डिवाइड बाई होंगे, ठीक है। तो आप भी की करते हैं मिनीमाइज इतने इक्वल टू लगाने आ रही अपनी बेसिक पे, इनू पहले डिवाइड बाई कर दिया डेज ऑफ मंथ न, डेज ऑफ मंथ नाल किया था ये 1 दिन की सैलरी पता लगी, हूँ ये 1 दिन की आ हूँ ये नाल ही अपने घंटे की पता करनी है तो इन डिवाइड बाई कर दो 8, तो हूँ 1 घंटे की पता लग गई, ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਵਰ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਸੀ ਐਫ 4 ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਓ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾਓ,
ਹੁਣ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ। ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਅਰਨ ਸੈਲਰੀ ਆ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ। ਆ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ, ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈ ਐਸ ਆਈ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਈ ਐਸ ਆਈ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਈ ਐਸ ਆਈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਮ ਉਹ 10,000 ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਚੀਜ਼, 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 3% ਤੁਸੀਂ ਈ ਐਸ ਆਈ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 3% ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ 10,000 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤਾਂ 3% ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਈ ਐਸ ਆਈ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 0 ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਗਾਇਆ, ਇਫ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਬ੍ਰੇਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਆ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਛੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ, 10,000 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ 3% ਕੱਢ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਰ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ 3% ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਰ ਗਲਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 0 ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਡਰੈਗ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਸੈਲਰੀ, ਇਹ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ 3% ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 15,000 ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ ਬਲੋ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਐਬਵ ਐਵਰੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰ ਨੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਆਪ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਬਣਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਗਾਉਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਗਾਉਂਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਫ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ, ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ, ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਬ੍ਰੇਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਦਊਂਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰਾ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੈਰੇਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਟੇਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ C4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C43 ਤੱਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ C5 ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਕਸ ਸੈੱਲ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਸਰ F4 ਬਟਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ F4 ਬਟਨ, ਐਂਟਰ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ C4, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ C4, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ C4, ਕਲੀਅਰ ਆ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।
ठीक है, तुसी अपनी कॉपी च बनाना, कंडीशन समझा लेंगे। पहले तो मैं तुहानू दस दिनी आ प्रिंट की होना, फिर आप कंडीशन समझते हैं। ठीक है, प्रिंट दो चीजा होनिया ने, एक तो प्रिंट होना नीड्स इंक्रीमेंट, नहीं तो ओके। ठीक है, आ देखो इतने लिखा हुआ है ना, दैन प्रिंट नीड्स इंक्रीमेंट, नहीं तो ओके। मतलब दो चीजा प्रिंट होनिया, नीड्स इंक्रीमेंट तदो प्रिंट होगा जो कंडीशन अपनी सही होगी, तो ओके तदो प्रिंट होगा जो अपनी कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, हूँ आप कंडीशन समझते हैं। तुसी करना की है भी इक्वल टू लगाना, इफ लगाना, इफ दे अंदर मैक्स फॉर्मूला लगाना, मैक्स फॉर्मूले दे अंदर सारी ऑल बेसिक पे देनी। ठीक है, ते ओ बेसिक पे दे विच तुसी माइनस करवा लेना आ वाले बेसिक पे जेड़ा सी फोर आ, इन्नी चीज करवाण तो बाद अगर एक ग्रेटर दैन मिलता 5000 तो नीड्स इंक्रीमेंट प्रिंट होवे, नहीं तो ओके प्रिंट हो। देखो इन्हू पढ़ के समझ लग रही है भी बना सकते हो कि नहीं, कोशिश करो। देखो बनता बनाओ, अगर बनता तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर मैं इतने दस दी हाँ। ऑल बेसिक पे का मतलब आ पूरी रेंज अपनी, ते माइनस बेसिक पे का मतलब आ चीज जेड़ी आ कल्ली कल्ली। उस तो बाद फिर अगर वो सारा कुछ ग्रेटर देन मिलता 5000 तो आवाज ना करो। ठीक है, उस तो बाद फिर की काम करें, नीड्स इंक्रीमेंट प्रिंट होवे, नहीं तो ओके प्रिंट होवे। हुण अगर ये नहीं समझ आ रहा तो फिर आप कर लेंगे, जिन्ना मैं इतने की किया इक्वल टू लगाया, मैं इतने लगाया इफ, मैं इतने लगाया मैक्स, मैक्स फॉर्मूला लगाया, ब्रेकर स्टार्ट की, ये कह रहे हैं ना ऑल बेसिक, हम इतने कह रहे हैं नंबर वन नंबर टू, मैक्स के आप दें की हाँ रेंज ही दें आप, किसी भी रेंज के अगर मैक्स कटना हो, मैक्स का मतलब की होंगे मैक्सीम वैल्यू, तो आप इतों आ वाली रेंज दे देंगे। बंद करवा लो, देखो मैक्स वाला फॉर्मूला बंद हो गया, मैक्स वाला ब्रेकर बंद हो गया। हूँ इतने आपने कहना भी हूँ अपन पता लग गया जो मैक्स है ना, मैक्स के जरिए अपन कोई ना कोई तो वैल्यू मिली होनी है, कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू आई होनी है। ठीक है, हम इतने कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू आई, उसी मैक्सिमम वैल्यू के अगर मैं माइनस कर दी हाँ आ चीज, ठीक है, तो अगर आ सारा कुछ मैनू वड्डा मिलता, आ सारा कुछ अगर मैनू वड्डा मिलता वा, चलो दोबारा कर दें इक्वल टू, ठीक है, मैं इतने लगाया मैक्स। ठीक है, डबल ब्रेकट मैं पहले ही लगा दिनी है, उस तो बाद आ सारा अपने सिलेक्ट करना। तुसी इदा भी कर सकते हो, नेम मैनेजर का भी यूज कर सकते हो, बी आ वाली रेंज नूं पहले ही नेम दे दो, डिफाइन नेम करके। ठीक है, उस तो बाद इत्थे कह दो भी अगर माइनस कर दें कि इहदे नाल तां सारा कुछ अगर मैनू वड्डा मिलता किन्ने तो 5000 तो, तां कम की करना वा, नीड्स इंक्रीमेंट प्रिंट होवे, नहीं तां की प्रिंट होवे ओके। इस तरीके लगा सकते नहीं, सी फोर नहीं होना क्योंकि इन्हें अपने सामने वाले चेक कर लिया, सब दी बेसिक पे नाल उन्होंने माइनस करके चेक कर लिया, इस तरीके नाल क्लियर। फिर आप थले आ जाने हैं, इस चीज की गल आप करते हैं थोड़ा जहा रुक के, जिन्होंने कहने नेस्टेड इफ। ठीक है, थले आ जाने हैं, इस चीज की भी गल करते हैं, एंड की हम गल करते हैं। देखो एंड दे विच हूँ इतने इफ का यूज करके अंदर एंड का यूज करना, हूँ इतने सब तो पहला तो यह दसो भी प्रिंट की करवाना, माइनस वन या तो जीरो है ना। हूँ कंडीशन की है, कंडीशन तो सामने लगी हुई है भी जेड़ा अपना ये डेज वर्क आ वो छोटा हो 25 तो, नाल दे नाल जेड़ा ओवर टाइम आ वो भी छोटा हो 16 तो। हूँ ये दोनों कंडीशन आप इफ के अंदर लगावेंगे क्योंकि प्रिंट करवाना, तो एंड दे अगे इफ लगा लियो, कॉमा लगा के माइनस वन दे दियो, नहीं तो जीरो दे दो, बस एंटर बटन क्लिक करवा लूंगी आ जाऊंगा। ठीक है, थले चलते हैं, ये औखा तो नहीं है, लग गया ना पता, करवा दे ये आप कर सकते हो, देख के इन्ना औखा है नहीं। फिर भी अगर करना हो तो इक्वल टू लगावेंगे, इफ लगावेंगे, एंड लगावेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करांगे, कहांगे आ जिहड़ी
डेज वर्क अगर छोटी हुए पच्ची तो कि वड्डी सी छोटी सी छोटी कॉमा लगा दो, अगर आ ओवर टाइम छोटा होवे किन्ने तो 16 तो ताकि प्रिंट होना चाहिए माइनस वन नहीं था जीरो तो फिंगर करना सी एंटर बटन क्लिक करवा के उन्हें ऑटोमेटिक प्रिंट कर देने। चेक करवाने तो आप चेक करवा सकते हैं, देखो इतने जीरो प्रिंट होया, चेक कर दें जेड़ा डी फोर लिखा होया कि वो छोटा वा 25 तो पहली कंडीशन तो रॉन्ग मिल गई। हूँ अपन पता भी एंड जो है कंपलसरी है दोनों कंडीशन सही हो ही उन्हें ट्रू जो आंसर देना, तो जोड़ा अपना और ऑप्शनल अगर एक भी कंडीशन सही कर दिए भी उन्हें ट्रू जो आंसर देना है। ठीक है, इस करके हूँ अगर इतने मैं सपोज इन सच्ची मुची कर दें, इन सपोज 24 कर दें, देखो इतने माइनस वन आ गया क्योंकि जो अपना डी फोर आ 25 तो छोटा वा नाले जो ई फोर आ वह भी है 16 तो छोटा, तो करके इतने माइनस वन प्रिंट हो गया, कंडीशन अपनी राइट हुई। फिर आ जाने आप ये थले चल रहे हैं हम आ देखो ये हूँ ये सब तो पहला तो देखो प्रिंट की करवाना लिखा है ना, प्रिंट एक्सलेंट इन रिमार्क टू दोस वेयर बेसिक पे 10,000 एंड डेज वर्क ग्रेटर दैन होवे इक्वल टू होवे 30 एंड ओवर टाइम इन हॉर। ठीक है, ग्रेटर दैन होवे 16 अदरवाइज रिमार्क शुड बी ब्लैंक। ठीक है, ये कह रहे हैं या तो एक्सलेंट प्रिंट होवे या तो ब्लैंक प्रिंट होवे। ठीक है, ओनली मैं प्रिंट करवाने वाली गल कह रही हूँ भी ओनली या तो एक्सलेंट प्रिंट होगा जिम्मे इतने प्रिंट होया या तो ब्लैंक प्रिंट होगा। ठीक है, हूँ कंडीशन कितनी है, तीन कंडीशन है, देखो एक तो बेसिक पे नू चेक करवाना, दूजा डेज वर्क नू चेक करवाना, तीजा ओवर टाइम नू चेक करवाना। हूँ इतने मतलब तीन कंडीशन मिली तो एंड दे अंदर लगना, एंड लगाओ पहली कंडीशन लगाओ बेसिक पे वाला सैल ले लो आ वाला, अगर ये छोटा मिलता 10,000 तो फिर कॉमा लगा के दूजी कंडीशन, अगर डेज वर्क वड्डा मिलता वा वाला डेज वर्क वड्डा मिलता प्रॉपर मिलता 30 तो दूजी कंडीशन, फिर कॉमा लगा के तीजी कंडीशन, अगर आ ओवर टाइम वड्डा मिलता 16 तो आ सारी कंडीशन एंड दे अंदर आ गई, बंद कर दो, फिर कॉमा लगा के कह दो एक्सलेंट प्रिंट होवे नहीं तो ब्लैंक। ब्लैंक लई तुसी इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट करियो नाल दे नाल बंद कर दो, ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी च बना के देखो, देखो बंद आ ट्राई। जो बन जाता मैं दिखा दो, ठीक है कि बनाया है तुझे। ਇਥੇ ਸੀ ਫੋਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਸੀ ਫੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਫਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਸੀ ਫੋਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਫੋਰ ਆ ਬੇਸਿਕ ਪੇ, ਹੁਣ ਆਰਜੂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੀ ਫਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, इधर चेक कर लो। ठीक है, इतने मैं लगाया इक्वल टू, इफ लगाया, ब्रेकेट स्टार्ट की, एंड लगाया, सब तो पहली कंडीशन सी भी अगर आ बेसिक पे ग्रेटर दैन मिलता कि लेस दैन, लेस दैन किन्ने तो 10,000 तो, ते दूजी कंडीशन आ देखो लॉजिकल टू मांग रहा, दूजी कंडीशन ये आ भी अगर आ वो टाइम वड्डा होवे नाले प्रॉपर होवे किन्ने तो 30 तो, तीजी कंडीशन की सी अगर आ वाला जेड़ा ओवर टाइम वर्क आ अगर वो ग्रेटर देन हो 16 तो, आ तीनों कंडीशन दे दी अपने एंड दे अंदर, ते कॉमा लगा दो, हम कह दो भी प्रिंट की होवे एक्सीलेंट नहीं तो की प्रिंट होवे ब्रेकर स्टार्ट एंड बंद। ठीक है,
बंद करवा लो, एंटर बटन क्लिक करवा लो। देखो हम इन्होंने सारे च ना ब्लैंक ही प्रिंट होगा क्योंकि कितने भी कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही। आप इन्हू चैक कर दें, पहले वाले तो ही चैक कर दें। सब तो पहली कंडीशन आप चैक कर लिया। देखो जो सी फोर आ कि वो छोटा वा 10,000 तो आ कंडीशन तो सही है, सी फोर छोटा वा। दूजी कंडीशन आप चैक करते हैं जो डी फोर आ कि वो वड्डा वा 30 तो नहीं, तो मैं वड्डा कर लें जान बुझ कर मैं 31 कर देना। हम तीजी कंडीशन चैक करते हैं जोड़ी तीजी कंडीशन आ कि ई फोर सैल वड्डा वा 16 तो नहीं, तो मैं की करती हूँ इन वड्डा कर दी 17 कर लें। देखो ऑटोमैटिक इतने एक्सीलेंट प्रिंट हो क्लीयर आ। इस तरीके जी फाइल बनाई हुई है अगर नैक्स नैक्स इदा ही करते जाओ तो उपर लिख दौ की कटिया हुआ एक्सलेंट या ब्लैंक कटिया हुआ की कटे उदा की हैडिंग बना लो ताकि तो याद रहे। फिर आप आ जाने नैक्सट आ चीज़ होगी। हम इतने और का दसिया हुआ और फंक्शन लगा के इतने देखो कंडीशन दसी हुई इतने देखो और का कितना लगाना की चीज प्रिंट करवाना पहला ये देख लो एक्सीलेंट ते गुड दो चीजें थले देखो लिखा है एल्स प्रिंट गुड ठीक है ते कंडीशन की है दोनों तुहाडे सामने लिखी हुई है। हुण जिहड़ी ये कंडीशन लगनी है और दे अंदर लगनी क्योंकि इत्थे देखो जिवें इत्थे किया होया और तां फिर इन्हां नूं आपां ने और दे अंदर लगा लेना हो जाऊगा ना औखा तां नहीं हैगा देख के तुसीं लगा सकदे ठीक है। हम जी अगली चीज़ की आप गल करते हैं वह है नैसटड इफ ठीक है। कल आपने मतलब शनिवार अपने पढ़िया इफ एंड और बेस से जिन्हें भी एग्जाम्पल से आप कर चुके हूँ जी अगली गल आ जाती है उन्होंने कहने नैसटड इफ। नैसटड इफ का मतलब होंगे इफ दे अंदर इफ न यूज करना ठीक है। इफ दे अंदर इफ न यूज करना तो पहला मैं इतने सिंटैक्स लिखा दिनी हाँ ठीक है। मैं इतने लगाया लॉजिकल टेस्ट मैं लिखा रही हूँ तो सिंटैक्स लगाने का तरीका ठीक है। इतने तुम अगे इक्वल टू लगा रहे हो मैं नहीं लगा रही क्योंकि अगर मैं इक्वल टू लगाने तो इन्हें यह लगेगा कि मैं फंक्शन लगा लगी तो मैं इक्वल टू इतने हटा गया तुम लगा लगा ठीक है। ये पहला सिंटैक्स लिख लो फिर मैं समझानी हूँ भी काम की करना वाइज अंदर रैंक देनी है। रैंक का मतलब कई कंपनी का ऐसा रोल होंगे ना भी उन्होंने अटेंडेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने प्राइज दिते जाते अगर उन्होंने अटेंडेंस ग्रेटर दैन हुई 30 तो उन्होंने फस्ट प्राइज उस तो अगर 25 तो वड्डी हुई सैकेंड फिर उस तो वड्डी हुई तो इदा करके मतलब प्राइज़ का कुछ ना कुछ रखा जाता है ठीक है। तो हम जिमें आप 25 देखोगे हम इतने मेरी कंडीशन ये आ भी जिन्हों की अटेंडेंस 30 तो वड्डी हो या 30 के बराबर हो उन्होंने रैंक एक प्रिंट हो जाए। देखो ये 30 तो वड्डी आ तो इतने 1 प्रिंट होगा ये मैं हाले प्रिंट करवाने वाली गल समझा रही हूँ तुम ठीक है। तो आ देखोगे 25 तो वड्डा या 25 के बराबर हो 2 प्रिंट हो अगर 25 तो छोटा था 3 प्रिंट हो। हुण इत्थे देखो किन्नी चीज़ा प्रिंट हो रही ने तीन चीज़ा कंडीशन भी तीन आ ठीक है। कंडीशन तीन की आ भी पहला जिहड़ी अटेंडेंस आ जिहड़ी अटेंडेंस आ ग्रेटर दैन हो 30 तो या बराबर हो
ये पहली कंडीशन है, ठीक है, इतनी भी आई सेम कंडीशन लागू हो जानी है। तो दूजी कंडीशन की है भी अगर आ जड़ी अटेंडेंस है ना, अटेंडेंस जिसे मैं लिख रही हूँ उसका मतलब अटेंडेंस वाला सेल, आ वाला सेल चेक करो, ठीक है, अगर ये बड़ा मिलता नाले बराबर मिलता किन्ने तो 25 का, तो इतने टू प्रिंट हो जाए। फिर लास्ट कंडीशन ए या लास्ट कंडीशन तो ऑटोमेटिक उन्हें प्रिंट कर देना, क्यों कर देना, क्योंकि अगर कंडीशन सही मिली तो उन्हें टू प्रिंट करना, गलत मिली तो थ्री प्रिंट कर देना, ठीक है। हुण इत्थे आपां इहनूं समझदे हां, देखो इत्थे लगाया इफ, ठीक है, इफ दे अंदर सब तो पहला आपां कंडीशन आ वाली दवांगे, आ ती वाली कंडीशन देती इन्हें, तो आपां ती वाली कंडीशन देनी आ वाली जिहड़ी इत्थे दिख रही है ना, मैं फिर इत्थे कर्सर लेके लानी है, लास्ट ते जा गया मेरा कर्सर इत्थे तक, इतने तक आप अपनी पहली कंडीशन, ठीक है। हम पहली कंडीशन की है अगर अटेंडेंस वो डी मिल दिया नाले बराबर मिल दिया किन्ने तो 30 तो, तब प्रिंट की होना चाहिए था, मैं इतने लिख दूंगी ई, ठीक है। फिर इधर आ जाऊंगी, इतने कॉमा लगा के इधर आ जाऊंगी। हम अपन ये पता लग गया भी कंडीशन अगर सही मिल दिया तो उन्हें इतों तक एक प्रिंट कर देना, बट इन्हू कहना अगर आही कंडीशन फॉल्स मिल दिया तो मैं अगे एक कंडीशन होर लगाई है उन्होंने चेक करना, हम अगे फिर मैं इफ लगा के फिर लॉजिकल टेस्ट दूंगी, तो इतने फिर वही लॉजिकल टेस्ट आ जाना, आ वाला दूजा वाला, ठीक है, 25 वाला, फिर 25 वाला जो आऊगा तो इतने आप कहेंगे टू प्रिंट हो जाए, नहीं तो फिर थ्री प्रिंट हो जाए, इदा करके फिर उन्हें अटेंडेंस कट देनी, बधा घटा सकते हैं। अगर मैनू सपोज इतने फोर भी प्रिंट करवाना, एक होर कंडीशन है फोर भी प्रिंट करवाना, तो इतने फिर एक इफ होर पद जाना, ठीक है, तो पिछले उन्नी बार ही ब्रेकट बंद होने जिन्ने बार इफ लग्या हो, अगर आ वाली अटेंडेंस तेनू वड्डी मिलदी नाले बराबर मिलदी किन्ने तो 30 तो, 31 तो ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 30 ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ, ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਮਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਫਾਲਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। समझ आई नहीं चीज, एंटर बटन क्लिक करवाओ, नहीं नो ड्रैग करवाओ, उन्हें ऑटोमेटिक चेक करना तो प्रिंट कर देना, जिमें देखो इतने 3 प्रिंट होया, चेक करिए आप हूँ जोड़ा 30 वा जोड़ा ये D5 आ, D5 की 30 तो व्डा वा छोटा वा, तो उन्हें फिर आह वाली कंडीशन पर आ गया, हूँ आ 1 तो प्रिंट करना ही नहीं है उन्हें, क्योंकि कंडीशन अपनी फॉल्स मिली, ठीक है। हूँ इन चेक करना, हूँ जोड़ा ये D5 लिखा हुआ कि वह ग्रेटर दैन आ 25 तो, नहीं ये भी कंडीशन गलत मिल गई, ये तो 24 लिखे हुए तो 25 लिखे हुए, तो ग्रेटर दैन तो है नहीं, तो उन्हें 2 नू भी नहीं प्रिंट करना, 3 नू प्रिंट करता, ठीक है। हुण इत्थे जिवें देखोगे इन्हें फस्ट प्रिंट किया क्यों, क्योंकि इत्थे 31 सीगा, उन्हें 30 तो वड्डा मिल गया तो आ चीज़ प्रिंट कर ली, क्लीयर। हूँ एक चीज़ मैं तुहानू कंडीशन दिनी आ, तुसीं अपनी कॉपी च बनाओगे, ठीक है। सपोज कर लो मैं इत्थे परसेंटेज लिखी हुई है, तुसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग मार्क्स देने हैं, मैं कहता जिन्ना बच्चों की परसेंटेज 95 तो वड्डी हो, 95 तो जिन्ना की परसेंटेज वड्डी हो उन्हां लई ए ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, तो जिन्ना की परसेंटेज 85 तो वड्डी हो उन्हां लई बी प्रिंट होना चाहिए। जिन्ना की परसेंटेज 95 तो वड्डी हो उन्हां लई ए प्रिंट हो, जिन्ना की परसेंटेज 85 तो वड्डी हो बी प्रिंट हो, तो जिन्ना की परसेंटेज 75 तो वड्डी होए उन्हां लई सी प्रिंट हो, ठीक है। बाकी डी तो ऑटोमैटिक ही प्रिंट हो जाना, अगर 75 तो छोटी मिलती है तो डी तो ऑटोमैटिक प्रिंट हो जाना, लगनी उदा ही आ, बस थोड़ा जिहा अलग अलग होना वा। जिथे मैं परसेंटेज लिखी सी उत्थे तुसी अटेंडेंस, जिथे मैं अटेंडेंस लिखी सी उत्थे तुसी परसेंटेज लिखोगे, तो उन्होंने ग्रेटर दैन चैक करवाओगे,
डी प्रिंट होगा, ऑटोमेटिक डी तो प्रिंट होना ही होना वा। हमने तो चार चीजें प्रिंट करवाने तो मतलब तीन इफ लगनी। हो गया दिखाइए कॉपी। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट दे विच उन्हें ही ब्रेकेट बांधने होंगे, तीन ब्रेकेट लास्ट दे तीन, क्योंकि तीन ही इफ लग गया ना बाकी। कंडीशन जी जिनने इफ, हाँ ठीक है। हो गया सारे याद। हाँ देखो मैं करके दिखा रही हूँ, इधर देखो जिवें मैं की कर दी हूँ, एक फाइल ही ओपन कर लेनी है जिदे विच परसेंटेज लिखी हुई है। आपां की कर दे हैं रिसेंटली गए, रिसेंटली मार्कशीट वाली फाइल ओपन करवा ली, ठीक है। हम ये आप कट दें इन्हों ग्रेड देना, तो इतने मैं लिख दिनी हूँ हैडिंग ग्रेड देनी है। मैं इतने लगाता इक्वल टू इफ लगाया, अगर मैं कहता आ वाला जोड़ा सैल आ अगर व्डा मिले 95 तो प्रिंट की होना चाहिए। हूँ इतने मैं इनवर्टेड कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि ये अपना कैरेक्टर आ स्ट्रिंग आ, ठीक है। जिते स्ट्रिंग की गल आए उत्थे आप फिर उन्होंने इनवर्टेड कॉमे के अंदर देना। तो मैं कहता अगर आ कंडीशन सही होंगी तो यह प्रिंट करना, अगर गलत होंगी तो एक इफ होर लगाया उन्होंने भी चेक कर लो, फिर आप इन कहे ग्रेटर दैन हो गए 85 तो फिर की प्रिंट करना। मैं कहता बी प्रिंट हो जाएगा, फिर कॉमा लगा के एक इफ होर लगाता। हूँ अगर आ कंडीशन रोंग मिलती है तो आ वाला इफ चेक करूंगा, अगर आ कंडीशन रोंग मिलती है तो फिर अगे वाला इफ चेक कर लूगा। फिर आप असाइन कहे अगर ये ग्रेटर दैन मिलता 75 तो तब की प्रिंट होना वा, सी प्रिंट होना, नहीं तो डी प्रिंट होना। हम उस तो बाद इतने तीन ब्रेकेट बंद होने। हम जिन्हें भी इफ लगाए हुए हैं उन्होंने ब्रेकेट का जोड़ा कलर देखोगे अलग अलग आ, मिड का देखोगे बैगनी आ, ग्रीन आ, उस तो बाद ब्लैक। एंटर बटन क्लिक करवा लेंगे उन्हें ऑटोमैटिक देख के चेक करके उन्हें प्रिंट करवा देने। जिम्मे देखो सारे लिए डी प्रिंट हो गया, क्यों चेक कर दें आप। देखो आ 95 तो वड्डा है नहीं तो इन्हें चेक की नहीं करना, इतने आ गया। 85 तो वड्डा है नहीं तो इन्हें फिर इनू भी छड़ के इतने आ गया। 75 तो वड्डा है नहीं तो फिर इनू भी नहीं प्रिंट किया, सीधा डी प्रिंट आ गया। तो अगर बाई चांस यदि मैं परसेंटेज बढ़ा दें, सपोज इतने मैं कर दिनी हाँ हले भी नहीं होया, सपोज मैं आप ही लिख दिनी हाँ 78 तो सी ग्रेड प्रिंट हो गया, जेडे 75 तो वड्डे होंगे उन्होंने सी ग्रेड। तो इस तरीके आप यूज कर सकते, कितने भी यूज कर सकते हैं, जितने तीन चार चीजा प्रिंट करवाने वाली गल आती है ना उत्थे फिर अपन नेस्टेड इफ का यूज कर दें। क्लियर इस तो अगे चलते हैं फिर अपन। फिर आ सारा कुछ तुसी करना की आ अपनी जी फाइल बनाई हुई है बाद नैक्सट नैक्सट कॉलम के इदा ही बनाई जाना। हम आप छोटे छोटे फंक्शन की गल कर लें, जो छोटे छोटे फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं जेडे जेडे फंक्शन तुहानू करवा दूंगी तुसी उन्हों टिक कर लो, ठीक है। जिवें मैं इतने सब तो पहला टूडे, ठीक है। उस तो बाद फिर आप इतने कर दी नाओ फंक्शन, फिर इतने मैं कर लेनी हाँ ईयर फंक्शन, फिर डे फंक्शन। ये बहुत छोटे छोटे फंक्शन है, इन्हों का छोटा छोटा काम है। उस तो बाद रो, उस तो बाद कॉलम, की हो गया लिख लो कोई ना लिख लो नेस्टेड इफ, ठीक है। हम टूडे फंक्शन का काम की है भी ए अपन टूडे की डेट दे दिंदा वा, ब्रेकेट टूडे लगाओ ब्रेकेट स्टार्ट दैन वन एंटर बटन क्लिक करोगे तो उन्हें आज की डेट दे दी। हम अगर इसे फाइल को कल मैं ओपन करके देख दी हूँ तो इतने 18 तरीक होगी, परसों करूँगी तो 19 तरीक हो जाएगी,
ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चेंज, क्योंकि इतने टू डे फंक्शन लगे हुए हैं ना, टू डे का मतलब होता आज प्रेजेंट, ठीक है। अगे है नाउ फंक्शन, नाउ फंक्शन की करता है इक्वल टू लगाओ एन ए ओ डब्ल्यू नाउ लिखो ब्रेकेट स्टार्ट देन वन एंटर बटन क्लिक करोगे तो इन्हें डेट एंड टाइम दोनों दे देंगे, ठीक है, डेट एंड टाइम दोनों देनी है। इन्हों का हम यूज कितने किया जाएगा, कंडीशनल फॉरमेटिंग के अंदर यूज किया जा सकता है, या आप कोई फाइल वगैरह बना रहे हैं जिद टू डे तो नाउ डेट का यूज है वो यूज कर सकते हैं। अगे हैगा ईयर इक्वल टू लगा लो ईयर फंक्शन, ब्रेकेट स्टार्ट करोगे तो इन्हें सीरियल नंबर मंगना। ईयर फंक्शन का काम की है भी किसी भी डेट के ईयर कट के अपन दिखा देंगे, हूँ ये सीरियल नंबर मंग रहे हैं ना, सीरियल नंबर का मतलब जिथे तुम डेट लिखी हुई है, जिम्मे मैं कहता हाँ डेट लिखी हुई है बंद करवा दो एंटर बटन क्लिक करवा दो, ठीक है। डे करवाओगे तो उन्हें डे कट देनी है, हाँ सीरियल नंबर दे दो डे कट देता उन्हें, मंथ कहोगे तो फिर उन्हें मंथ कट देना, ब्रेकेट स्टार्ट करो बंद करवा लो, औखे तो नहीं है छोटे छोटे हैं नेम के अकॉर्डिंग इन्हों के काम करने हैं। हूँ इतने देखो नाउ फंक्शन अपडेट भी हो रहा, इतने तिराली हो गया, इतने देखो तिराली है, हम अगर इतने 44 होगा तो इतने भी हो जाना, ठीक है। हूँ अगे हैगी है रो फंक्शन, ठीक है। रो फंक्शन का की काम है, ये की करता अपन रो नंबर दसदा, अगर ये अंदर तुम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, ये अंदर सैल के अंदर कुछ भी नहीं देंगे, जिम्मे मैं इनू की करती हाँ आर ओ डब्ल्यू रो लिख के, इनू तुम इदा भी छड़ सकते हो तो कोई रेफरेंस देना हो दे भी सकते हो, अगर तुम इदा ही इनू ब्लैंक छड़ दे तो इन्हें अपनी पोजिशन दसनी है, अपने रो की पोजिशन दसनी है, ये दूजे नंबर वाली रो ची करके कह रहे मैं दूजे नंबर वाली रो ची, तो अगर बाई चांस इनू आप ड्रैग करते हैं इतने थ्री आ गया क्योंकि इतने रो लगी तो थ्री नंबर से सही, तो अगर आप कोई रिफरेंस देने जिम्मे मैं इक्वल टू लगया इतने लिखा रो ब्रेकेट स्टार्ट की हाँ मैं देता सैन बंद करवा लो एंटर, देखो कह रहे फस्ट वाली रो के जो मैं रिफरेंस देता वो फस्ट रो के, ठीक है। हूँ इन्ह का यूज कितने किया जाऊगा, किसी फंक्शन के अंदर ही यूज किए जाने, इदा कल कल नहीं यूज किए जाने, किसी फंक्शन के अंदर ही आप यूज करा। सेम टू सेम कॉलम फंक्शन वो की दसदा अपनी कॉलम की पोजिशन दसदा वा किनवे नंबर कॉलम पर आ, कॉलम का इंडैक्स नंबर दसदा इक्वल टू लगाओ कॉलम लगाओ, ठीक है। हूँ इनू भी दे अगर ब्लैंक छड़ दो तो उन्हें अपने दसना सत्तवें नंबर पर आ, ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन, तो अगर इनू आप ड्रैग करते हैं तो फिर एच एट हो जाना, फिर ड्रैग करते हैं आई नाइन हो जाना, अपने कॉलम की पोजीशन किनवे नंबर कॉलम ते आ, तो रो ने अपनी रो वाली पोजिशन दसनी है किन्नवे नंबर रो ते हैं पंजवें दसवें बारहवें जिन्हें च भी हो, तो अगर ये अंदर आप कोई रिफरेंस दें बाई चांस आ मैं देता हूँ अपन पता जो ए कॉलम है फस्ट कॉलम है एंटर बटन क्लिक करोगे तो फस्ट देना उन्हें इन्होंने नंबर ही देना, ठीक है। तो इन चीज़ा समझ आई हैं कि चीज़ा मैं डिलीट करती हूँ, अगे जोड़ी चीज़ आ दिखाई एक मिनट कर आप अज छोटे छोटे ही करा व्डे व्डे कल आप करा, ठीक है। एक हैगा रिपीट फंक्शन तो लैन फंक्शन, ये आप कर लें रिपीट तो लैन फंक्शन कर, रिपीट का मतलब है ना भी अगर थानू कोई टैक्सट रिपीट करवाना हो फिर आप रिपीट फंक्शन का यूज कर दें, जिमें मैं चाहनी हाँ आ वाले सैल के ना पांच स्टार बन गया, हम पांच स्टार अपन इदा लिखने पैणगे ना, मैं चाहनी हाँ ऑटोमेटिक इतने आ जाए तो आप करा इक्वल टू लगावे आ रिपीट ही लगावे ब्रेकट स्टार्ट करा, एक कहता टैक्सट दस दो कि टैक्सट आ जो शो करवाना, मैं इनवर्टेड कॉमे के अंदर कहता स्टार शो करवाना, हूँ इतने इनवर्टेड कॉमे के इसलिए दे रही हाँ क्योंकि जेडे अपने सिंबल हो होंगे वह भी अपने टैक्सट की कैटेगरी के ही आते हैं, तो इन्हें इनवर्टेड कॉमे के अंदर रखे, फिर कॉमा लगाओगे पुछता किन्ने टाइम्स रिपीट करा,
तो मैं इतने कोई सैल दे रही हूँ, इदा आप 5-2 दे भी सकते हैं, बट अगर सैल दे देने हो तो उत्थे आप चेंजेस करांगे आपां बेनीफिट होगा। बंद हूँ इतने मैं कहता 5 टाइम कर दो, मैं तो कहता नहीं 10 टाइम कर दो, एक रिपीट करवा सकते हो। अगर नेम रिपीट करवाना, या सपोज मैं इतने कह दिनी हाँ आ जिहड़ा दिता ना, मैं ये जगह पर भी आप कोई सैल दे सकते हैं, मैं इतने कोई सैल देता, ठीक है। इतने मैं कहता ए रिपीट करवाना, मैं इतने कहता अपना नेम रिपीट करवाना, टेन टाइम रिपीट करता, मैं इतने कह दिनी हाँ 1 टाइम करना, 1 टाइम कर दूँ, और मैं कह दिनी इतने हैश रिपीट करना वा, ये एट द रेट करना, उन्हें एट द रेट रिपीट कर देना, जिनी बार कहोगे मैं कहता 15 बार करनी, 15 बार करना, ठीक है। क्लियर है ना, इस तरीके यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्लीयर है, रिपीट फंक्शन की अगे है लैन फंक्शन। लैन फंक्शन का की काम है, अपन लेंथ दसदा वा किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी वर्ड की, जिमें आ कविता लिखा हुआ तो कविता का टोटल जो कैरेक्टर है, किन्ने कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर है, इक्वल टू।